दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा और ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। जी हाँ दोस्तों, ये एक पल्सर है, यानी कि मैं कह रहा हूँ पल्सर 125 नियॉन विथ ड्रम ब्रेक्स। और ये एक बहुत ही अनोखा सा पल्सर है, सबसे चीपेस्ट एंड मोस्ट अवेलेबल पल्सर है, जिसमें कि दोनों ही तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी में पहली बार मैं कोई पल्सर देख रहा हूँ बिना डिस्क का। और दोस्तों, आप लोगों को मैं कह दूँ कि आप में से जिन लोग पल्सर को ओन करना चाहते हैं, इस लेजेंडरी बाइक को ओन करना चाहते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इस ड्रम मॉडल को ले सकते हैं। BS6 का जो 125 नियॉन जो डिस्क मॉडल है, उससे लगभग ये 4,000 रुपये सस्ता आपको पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों, मैं ये वीडियो में आप लोगों को ये BS6 2020 125 नियॉन मॉडल दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको आगे की तरफ 170mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में, जिनके शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाके वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले नोटिफाइड रहिए। दोस्तों, आप आगे की तरफ देख पाएंगे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है और 170mm का लार्जर डायमीटर 170mm का यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक आगे की तरफ मिल रहा है। दो ब्रेक वायर्स यहाँ पे जा चुका है, तो आप समझ ही पाएंगे इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और 4,000 रुपये ये सस्ता है और अभी का, या फिर आप कह सकते ऑल टाइम सबसे चीपेस्ट या फिर मोस्ट अफोर्डेबल पल्सर लाइनअप में ये बाइक है। दोस्तों, इसके साथ साथ और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल 125 का जो नॉर्मल डिस्क मॉडल आता है उसी के जैसा मिलेगा। अब अगर इसका हम एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो ये 71,315 रुपीज़ है इन कोलकाता, एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता। बात कर लेते हैं दोस्तों इंजन की, तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन विथ ECU दिया गया है, यानी कि अभी आपको इसमें पहले जैसा ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल DTSI 125cc का इंजन मिलेगा एग्जॉस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें कि BS6 इम्प्लीमेंट किया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन मिल रहा है, ना कि फ्यूल इंजेक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन काफ़ी हद तक फ्यूल इंजेक्शन जैसा ही करता है, थोड़ा सा सस्ता टेक्नोलॉजी है और मेंटेन करने में भी बहुत ही सस्ता पड़ेगा। ऊपर आपको पेट्रोल ऑन ऑफ की चाबी भी दी गई है। और बात करें यहाँ पे पावर और टॉर्क फिगर्स की, तो 11.8 PS अभी इसका पावर है, जो कि BS4 से 0.2 PS कम है, और 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM दिया गया है। 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलता है, DTSI इंजन मिलता है, किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही आपको इसमें मिल जाएगा। आप इसमें दोस्तों देख पाएंगे एग्जॉस्ट पाइप पर एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर का जो गैस कैनिस्टर है वो भी बना हुआ है, ताकि आप समझ पाएंगे कि ये BS6 मॉडल है। दोस्तों, इसी के साथ साथ जो लेग गार्ड आप देख रहे हो वो पहले से थोड़ा सा चेंज्ड है, और ये जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं इसके ऊपर पल्सर की 3D एम्बलेम आता है, और ये 3.5 लीटर कम है 150 मॉडल से, यानी कि 11.5 लीटर्स इसका पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है। अभी आपको इसमें 125 मॉडल में सिंगल हॉर्न सेटअप मिलेगा, ना कि डुअल हॉर्न, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा इसको अलग रखा गया है 150 मॉडल से, 150 का जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है उससे। आगे की तरफ दोस्तों अगर हम बात करें तो वही पल्सर का जो हमेशा से यूनिवर्सल लुक आता है वही इसमें दिया गया है, और किसी भी एंगल से 125 को देखकर ये नहीं लगता है कि ये 125 है, हर कोई समझेगा कि ये 150 वाला मॉडल है, क्योंकि सारी चीज़ें वही इसमें लगाया गया है। आगे की तरफ आपको हैलोजन DC कनेक्शन का हेडलैम्प मिलेगा विथ ट्विन पायलट लैम्प्स, और फुल्ली फ्लेक्सिबल क्लियरलेंस टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर का विंडशील्ड आपको मिलेगा, और बहुत सारी जगह पर आपको नियॉन के रेड कलर के टचेस मिलेंगे। टैंक के साथ आपको टैंक काउल भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पीछे की अगर बात करें तो वही ट्विन LED स्ट्रिप्स मिलेगा, और पीछे की तरफ भी आपको दोनों ही तरफ इंडिकेटर्स जो मिलेगा ये फ्लेक्सिबल है और क्लियर लेंस टाइप है, और जो ग्रैब हैंडल मिलेगा ये नियॉन रेड कलर में है, और ग्रैब हैंडल सिंगल पीस यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, आप देख पाएंगे पीछे की तरफ वही सेटअप दिया गया है, ये भी फुल्ली DC है, और बजाज के जो इंडिकेटर्स है ये टूटता नहीं है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण बहुत ही ठीक ठाक रहता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे हैंडल बार की, तो क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है, लेकिन बैकलिट स्विच गियर आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये भी एक कॉस्ट कटिंग मेजर है, लेकिन स्विच गियर क्वालिटी बहुत ही डिसेंट सा है। हैंडल बार क्लिप ऑन होने के बावजूद भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में राइड कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर कंसोल में इंजन मैलफंक्शन लाइट ऐड किया गया है, ताकि ECU में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये ब्लिंक करके आपको नोटिस कराता रहेगा। बाकी इसमें एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, आपको एनालॉग में इसका RPM मिल जाएगा, और डिजिटल डिस्प्ले में साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर के साथ नॉर्मल फ्यूल इंडिकेशन, दो ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर,
और स्पीडोमीटर आप यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आपको इसमें न्यूट्रल इंडिकेटर मिलेगा, हाई बीम इंडिकेटर मिलेगा और साइड के जो इंडिकेटर्स है वो मिल जाएगा। और इंडिकेटर और ये जो मीटर कंसोल है इसके चारों तरफ आपको कार्बन फाइबर के फिनिश मिल जाएंगे जो कि एक प्रीमियम टच आपको दे देता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे फिर से टैंक की, तो टैंक यहाँ पे मस्कुलर है, 11.5 लीटर्स का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है। 3D में पल्सर का आपको इसके ऊपर लोगो मिल जाएगा। आगे की तरफ आपको टैंक श्राउड्स मिलेगा कुछ स्टिकरिंग के साथ साथ। और अंडर हार्ट ब्रेकिंग आपके अगर कोई भी एब्डोमिनल इंजरी के चांसेस हो तो वो थोड़े से हद तक प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे टैंक पैड्स दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम आते हैं सीट पर, तो लॉन्ग सीट है और पल्सर अपने सेगमेंट में लॉन्गेस्ट सीट देता है। बहुत ही कंफर्टेबल है राइडर और पिलियन के लिए। ड्यूअल रेड कलर की यहाँ पे स्टिचिंग दिया गया है। नियॉन का डिजाइन टचेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और टेल सेक्शन में 125 का आपको लोगो मिलेगा 3D में, और नियॉन कलर्ड आपको ग्रैब हैंडल पीछे की तरफ मिल जाएगा। साइड से अगर देखें तो वही पल्सर का हमेशा से जो लुक आता था वही लुक इसमें दिया गया है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 140 kg इसका कर्ब वेट है और सीट हाइट 785 mm है ताकि किसी भी हाइट के राइडर्स इसको चला सके। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें माइलेज की, तो लगभग 55 से 60 kmpl का आपको माइलेज मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन आने से थोड़ा सा ये बेहतर हुआ है। आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा विद एंटी फ्रिक्शन बुश, और पीछे की तरफ 5-way एडजस्टेबल इन्वर्टेड नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्ब नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर के साथ ये डुअल सस्पेंशन आता है। 5 times ये एडजस्टेबल है। टायर्स पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। ब्रेक तो मैंने आपको दिखा ही दिया। आगे की तरफ 170 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। और आगे की तरफ जो टायर मिलेगा ये 80x100 साइज का है। बात करें पीछे की, तो पीछे आपको 100x90 साइज का टायर मिलेगा। पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। और दोस्तों पीछे एक टायर हगड़ भी लगा हुआ है जिसका फिटमेंट और जिसका फिटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत लूज फिटिंग है और बस यहाँ पे देना पड़ता है, इसीलिए इन्होंने लगता है दिया है। तो बाद में आप इसको मॉडिफाई करवा लीजिए अगर आप चाहें तो। दोस्तों यहाँ पे अगर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइलेज यहाँ पे लगभग 55 से लेकर 60 के बीच में है और टॉप स्पीड यहाँ पे लगभग आपको 95 से लेकर 100 kmpl का मिल जाएगा। और पल्सर की जो आफ्टर सेल सर्विस है, रीसेल वैल्यू, ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ही जीरो मेंटेनेंस गाड़ी आप मानकर चल सकते हैं। और एवरीडे राइडिंग के लिए एक चीप अफोर्डेबल सा कम्यूटर ये ड्रम ब्रेक मॉडल आता है, तो आप चाहे तो ड्रम ब्रेक में इसको ले सकते हैं, या इससे जिन लोग डिस्क को बिल्कुल पसंद नहीं करते उनके लिए एक अच्छा डील ये हो सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और ये ड्रम ब्रेक मॉडल, ये अनोखा सा अद्भुत सा पल्सर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड राइड सेफ।